गाइस, आज आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फो है। मैं आप सभी से एक सलाह चाहती हूँ। दोस्तों, हम जब कोई काम स्टार्ट करते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मुझे एक सलाह चाहिए था आप सभी से कि हमें, मान लो मेरी उम्र अभी 20 साल है और 20 साल की उम्र में मुझे बिजनेस स्टार्ट करनी, तो हम बोलते हैं कि पैसे नहीं हैं। और फिर कभी मैं शादीशुदा हो गई, उस टाइम मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है कोई अच्छे स्कूल में, तो मैं क्या बोलूँगी? पैसे नहीं हैं। अपने बच्चे का अच्छा शादी करवाना है, उसको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, तो क्या बोलूँगी? पैसे नहीं हैं। उनको घूमने भेजना है दोस्तों के साथ में, तो क्या बोलूँगी? बेटा, पैसे नहीं हैं। अगर मान लो उसका कोई बीमारी हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, उसका अच्छा ट्रीटमेंट करवाना है, तो क्या बोलेंगे? पैसे नहीं हैं। तो मेरा बोलना यही है कि या तो आप ज़िंदगी भर पैसे के लिए तड़पिए, पैसे के लिए ज़िंदगी भर आप रोइए कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये काम के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, या तो आज आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, और उस पैसे नहीं हैं ये बोलने से अच्छा है कि आज आप जो स्टार्ट करोगे उससे आप आने वाले टाइम में अपने जो प्रॉब्लम है उसको आप फेस करके आज की सिचुएशन से आप सुधार सकते हैं। और ज़िंदगी भर बोलने से अच्छा है कि आज पैसे लगा लो या तो ज़िंदगी भर पैसे के लिए रो लो। तो डिसाइड आपके ऊपर करता है कि ज़िंदगी भर पैसे नहीं है बोलना है या फिर आज कुछ इन्वेस्टमेंट करके ज़िंदगी को आलीशान ज़िंदगी निकालना है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आज पैसे नहीं है बोलना अच्छा है या फिर ज़िंदगी भर पैसे नहीं है ये बोलना अच्छा है। मतलब आज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर लेना अच्छा है या फिर ज़िंदगी भर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, ये बात बोलना अच्छा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।